शहरालगत असलेल्या ऑक्सफर्ड द ग्लोबल स्कूलचे संचालक श्रीनिवास ध्यावर शेट्टी यांना शैक्षणिक क्षेत्रातील शिक्षारत्न पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. न्यू दिल्ली येथील युनिव्हर्सल मेंटोर्स असोसिएशनच्या वतीने ऑक्सफर्ड द ग्लोबल स्कूलचे संचालक श्रीनिवास ध्यावर शेट्टी यांना हा पुरस्कार देण्यात आला. न्यू दिल्ली येथे नुकताच हा पुरस्कार वितरण सोहळा पार पडला. युनिव्हर्सल मेंटोर्स असोसिएशनच्या वतीने दरवर्षी देशभरातून शैक्षणिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या मोजक्या शिक्षण संस्थांना तसेच व्यक्तींना शिक्षारत्न पुरस्कार देऊन सन्मान केला जातो. अतिशय मानाचा हा पुरस्कार मानला जातो. श्रीनिवास ध्यावर शेट्टी यांनी ऑक्सफर्ड द ग्लोबल स्कूलच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करून त्यांना ज्ञानाचे धडे देण्याचे कार्य ते करीत आहेत. या शाळेचे विद्यार्थी विविध परीक्षेत आपले आणि शाळेचे नाव उंचावत असतात. नवीन शिक्षण धोरणाबाबत ही श्रीनिवास ध्यावर शेट्टी यांनी तयारी केली आहे. शाळेच्या व्यवस्थापनावर त्यांची पकड देखील आहे. ऑक्सफर्ड द ग्लोबल स्कूल ही शहरातील नामांकित शाळा आहे. श्रीनिवास ध्यावर शेट्टी यांना पुरस्कार बहाल झाल्याने शैक्षणिक वर्तुळात त्यांचे कौतुक व अभिनंदन होत आहे. ये पुरस्कार मिला है फिफ्थ एडुलेटर समिट की तरफ से जो कि न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया है. इट इज़ ऑफ यूनिवर्सल मेंटर समिट एंड आई रिसीव्ड शिक्षा रत्न पुरस्कार अवार्ड. आई थिंक ओनली फ्यू पर्सन्स गॉट इट एंड आई एम हैप्पी टू से खुशी है कि हमें मिला है. 28 साल के मेहनत के बाद कुछ पुरस्कार मिलता है तो खुशी होती है. एंड थैंक यू टू एवरी वन दोस्त को ऑपरेटेड मी. ऐसे जब हम स्कूल शुरू कर रहे थे उस वक्त की पढ़ाई में आज के पढ़ाई में बहुत बहुत ज़्यादा अंतर हुआ है. आज के जनरेशन में टीचर्स को स्कूल पे आना, सिर्फ एक किताब लेके पढ़ाना वो दिन नहीं रहा. टीचर्स को अपग्रेड करते रहना है, नया टेक्नोलॉजीज को अपडेट करते रहना पड़ता, उनको वर्कशॉप्स, उनके लिए सेमिनार्स कंडक्ट करते रहना पड़ता. और सिर्फ एक क्लास में आए, बुक पढ़ा दिए और चले गए आज के जनरेशन में नहीं चलता है. हमें अगर आगे बढ़ना है तो अच्छे स्टाफ की ज़रूरत है, उनको अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है. और रट्टा मारना, एग्ज़ाम लिखना वो ज़माना गया. हर एक कॉन्सेप्ट माइक्रो लेवल में उनको क्लियर करना पड़ता है. कॉन्सेप्चुअल लेवल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए. हर एक चीज़ को समझना, आगे बढ़ना चाहिए. नया एजुकेशन पॉलिसीज में बहुत सारे बदलाव लिया गया है. 6वीं स्टैंडर्ड से लेके 8वीं तक वोकेशनल स्कोर्स को ऐड किया गया है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं. ज़माना था 3+4+3+2, लेकिन अभी बदल गया है वो. नए एजुकेशन पॉलिसी से जो जो गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है चेंजेस, वो सभी के लिए हम तैयार हैं.